दो भाई लोग आ गए न्यू व्लॉग के साथ। और आज के वीडियो में भाई अपन लोग 0 to 100 थोड़ा टेस्ट करने वाले हो, क्योंकि भाई लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप 0 to 100 चेक करो, बट डीवी किलर के साथ और बिना डीवी किलर के। क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि भाई NS 200 RS 200 से क्यों फास्ट है। सो लोगों को बस ये कन्फ्यूजन था आखिर में क्यों फास्ट है। तो अगर फास्ट है सच में तो 0 to 100 थोड़ा चेक करा दो। अभी भाई यहाँ पर इसको साफ़ कर लेता हूँ, टेकोमीटर भी। चलो होप करता हूँ आपको क्लियर विजन मिल रहा है। अभी भाई मेरे बाइक में लगा है डीवी किलर, पहले चेक करा देता हूँ, नहीं तो भाई कुछ बोलेंगे। दिख रहा है भाई आपको ऑलरेडी, भाई इसमें डीवी किलर है और ये होता है डीवी किलर। सो अभी चलो चलाते हैं भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अभी ये है चढ़ान। अगर आप लोगों को मैं जानता हूँ वीडियो में नहीं क्लियर होता कि भाई ये चढ़ान है या उतार है, तो जो भी है अभी यहाँ पे हिल है भाई और ये चढ़ान ही है। और चढ़ान पे भाई अभी विद डीवी किलर चेक करेंगे और विदाउट डीवी किलर दोनों चेक कर लेंगे चढ़ान पर। और उसके बाद भाई इसके अपोजिट साइड जाएंगे, मतलब इस रोड के अपोजिट साइड जाने के बाद अपन लोग विथ डीवी कलर एक ढलान में 0 to 100 चेक करेंगे और विदाउट डीवी कलर ढलान में एक बार चेक करेंगे। सो दोनों आपको समझ जाएगा, ठीक है। अरे भाई गलती हो गई यार, गलती हो गई। चलो भाई चेक करेंगे, थोड़ा सा आगे जाता हूँ फिर चेक करेंगे। Few moments later. भाई लोग अब आ चुके हैं भाई दूसरे हिल के पास, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा यहाँ पर भी ऐसे हिल टाइप ही है। एंड मैं जानता हूँ भाई वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सो अपने चेक करेंगे, आपको फ़र्क तो समझ ही जाएगा। सो अभी विद डीवी कलर भाई 0 to 100 चेक करते, थोड़ा सा रोड के बीच में आते थोड़ा सा। सो मिल गया भाई खाली, 1 and 1 2 3। ये हो चुके भाई, चलो भाई। सो होप करता हूँ आपने नोटिस किया होगा भाई। एंड कितने सेकंड हो गए आप लोग कमेंट करो, फिलहाल तो मैं टाइमर तो लगा ही रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करो कि भाई आपके हिसाब से मैंने गलत निकाला है सही। तो एक और बार चेक कर लेते, चलो ज़्यादा नहीं, एक और बार चेक कर लेते। एंड भाई ये हिल है, ठीक है, आप कुछ भी बोलो, ये हिल टाइप है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्लोप जैसा है, इतना नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल ही है, थोड़ा ही है पर है भाई। चलो 1, पीछे देख लेते, 1 2 3। गलत गलत भाई, गलत लॉन्च हुआ, मेरे को लॉन्च ठीक से करना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, पहले लॉन्च ठीक से करेंगे। एंड देख लो भाई वो हिल टाइप तो है थोड़ा सा, ये गीले पे नहीं करेंगे। 1 1 2, ये प्रॉपर हुआ। लेट्स गो 100 क्रॉस। एंड देखो बात ऐसी है कि भाई मेरे बाइक का थोड़ा चेंज पॉकेट भी अभी, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि गंदा ही है, तो थोड़ा सा जाम चल रही होगी। गाड़ी और भी फ्री हो सकती थी अगर पॉकेट अपना एकदम साफ रहता तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलता है। एंड दो बार अब चेक करा चुका हूँ। अभी भाई एक काम करता हूँ, डीवी किलर निकाल के आपको चेक कराता हूँ। बार बार मैं डीवी किलर निकालूंगा भाई इस वीडियो में, पता नहीं क्या होने वाला है, बार बार डीवी किलर निकाल के आपको चेक कराओ फिर। चलो भाई डीवी किलर निकालते। तो देखो कैसे है भाई, मैं इसी रोड के अपोजिट साइड जाने वाला हूँ, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई दूसरे रोड पे आ गए हो, ठीक है। सो सही रहेगा क्योंकि स्लोप भी सेम ही रहेगा ना भाई दोनों साइड का, तो अगर नीचे के साइड होगा तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा जल्दी अपनी गाड़ी चले। अभी फटाफट निकाल लो भाई डीवी किलर, बड़ा लफड़ा यार। तुम लोगों के लिए क्या क्या करता हूँ, तुम लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते यार, करो ना यार भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना। एंड ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लॉल गाइस, बोल्ट ही गिर गया यार, मैं जान रहा था भाई कुछ ना कुछ तो होगा, एक छोटा सा बोल्ट है ऊपर से। हो दिक्कत, बोल्ट ही गिर गया, मिल भी नहीं रहा, बोल्ट तो मिलने से रहा मेरे हिसाब से गाइस। इसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हटो। सो ये चेक कर लो भाई, डीवी कलर नहीं है अब, एंड बोल्ट भी तो नहीं मिल रहा है। चलो छोड़ो भाई लोग, अब भाई विदाउट डीवी कलर, ओहो आवाज़ ऐसी आ जाती है ना, मज़ा आ जाता है। अभी भाई हाँ हम लोग विदाउट डीवी कलर, लेट्स 1 2 3। भाई विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा लगी अभी,
चलो 100 तो हो गए थे। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगी भाई इस बार तो, मतलब और ऊपर से टॉर्क कम हो जाता है अगर आप लोग डीवी किलर निकाल देते हो बाइक का। सोए लोग समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, अब तो भाई पूरा क्लियर ही बताया आप लोगों को कि भाई 0 to 100 भाई कितना जल्दी, मतलब कितने सेकंड में अपनी गाड़ी कवर कर लेती है विदाउट डीवी किलर, और वो भी छोटे मोटे हिल पर। ठीक है, अभी जाते हैं भाई रोड के उस साइड, एंड उस साइड जाने के बाद आप लोगों को चेक कराता हूँ। A few moments later. And भाई लोग ये वीडियो बनाते बनाते मेरे को एक कंटेंट सोचा हूँ मैं, तो आप लोग पहले कमेंट करो वो कंटेंट के बारे में बनाओ कि नहीं। आप लोगों को परफेक्ट लॉन्च सीखना है, मतलब लॉन्च कैसे करते हैं परफेक्ट गाड़ी, आप मेरे लॉन्च को रेटिंग दे दो थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं जानता भाई मैं कैसे लॉन्च करता हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं मेरा भाई पूरा ट्राई करता हूँ तो शायद अच्छा ही करता हूँगा। चलो 0 to 100 चेक करते हैं भाई। अभी है भाई स्लोप और मैं हूँ भाई विदाउट डीवी किलर। ठीक है, स्लोप है थोड़ा तो शायद मेरी गाड़ी फास्ट जाएगी। लेट्स गो 1। अरे यार ये गाड़ियाँ फास्ट जा भी नहीं रही है। 1 2 3 मेरी गाड़ी स्लिप हुई थी। अरे यार यहाँ पर आरपीएम थोड़ी सी हिट कर दी, आरपीएम गलत मैंने ये कर दिया। तो गाइज एक सेकंड का फ़र्क था एंड मैं वो कवर करता हूँ एक सेकंड, क्योंकि भाई उससे भी फास्ट आ सकती थी। मैंने आरपीएम में थोड़ा सा एक, मतलब मेरे लॉन्च में आप बोल सकते हो गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा मैंने एक लेट कर दिया, भले वो मिली सेकेंड का हो पर वो काउंट तो होता है भाई। तो यहाँ पर करेंगे वो फिर से, वो कवर करेंगे भाई यहाँ पर। चलो यहाँ पर भी स्लोप ही है एंड अच्छा खासा स्लोप है। चलो लेट्स गो 1 2 3। अब शायद जल्दी आ जाएगी। लेट्स गो। कितने सेकंड में हुई भाई फटाफट कमेंट करो, मेरे को मालूम भाई इस बार जल्दी हुआ है, क्योंकि फील होता है ना भाई, फील होता ही है। मस्त आवाज कर रही है भाई गाड़ी अपनी, बूम बूम बूम, मजा आ रहा है। स्लोप था एंड भाई टॉर्क का एक दिक्कत होता है कि भाई अगर आप डीवी किलर निकाल दो तो उसका टॉर्क कम हो जाता है बाइक का, कौन सा भी बाइक हो। ठीक है, सो सुपर बाइक का भी अगर टॉर्क कम हो जाता है तो भाई उसके लिए देखो कुछ लोगों के ऐसे रहते हैं भाई सुपर बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट जाती है तो उसमें एयर जो अपना रहता है एयर फिल्टर भी बहुत ज़्यादा महंगा रहता है भाई, उनका 15-16 हज़ार ऐसे 25-25 हज़ार के एयर फिल्टर भी रहते हैं। तो फ़र्क है भाई ना उन लोग में, अपन लोग में बस स्टॉक एयर फिल्टर है जो कंपनी से आता है। ये लोग होप करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, और भाई बारिश चालू हो गई, अब मैं चाहता हूँ भाई सीधा घर पर जाऊँ, क्योंकि अब मैं अगर भेजूंगा तो मम्मी बहुत मारेगी। एंड भाई लोग और भी कंटेंट आपके जहन में हो तो मेरे को कमेंट कर देना, एंड भाई मेरे अगले कंटेंट के बारे में अपडेट दे दो। तो अगले कंटेंट में भाई अपन लोग क्या करेंगे, आपने अगर ऐसे वीडियोस देखी होगी तो ये देख लो पहले ये वीडियो, तो आप लोगों ने ऐसे वीडियोस देखी होगी तो भाई इसके जैसे हम लोग वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, और कैसे बनता है क्या बनता है कैसा कैमरा लगाते हैं एंड कैसे क्या करना पड़ता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो भाई होप करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।